नमस्कार दोस्तों, हमारा भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारा भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारा भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों से भगत सिंह एक ज्वलंत इतिहास। आज़ादी के टाइम जो भगत सिंह के परिवार में घटित हुई, मैं कुछ उल्लेख उनके बारे में कर रहा हूँ। ये सब घटनाएं भगत सिंह के घर में घटित हुई। घर में एक चाची थी विधवा और दूसरी न विधवा न सधवा। वे भगत सिंह को गोद में लेकर प्यार करती और देखते ही देखते रो पड़ती। नन्ना भगत सिंह बड़ी चाची के गले में बाहें डालकर कहता, चाची रो मत, मैं अंग्रेज को मार कर भगाऊंगा और चाचा जी जल्दी ही लौट आएंगे। और दूसरी चाची से कहता, मैं अंग्रेज से बदला लूंगा। भगत सिंह की उम्र जब 2.5-3 बरस थी, खेतों में बाग लग रहा था और जमीन तैयार करके आम के पौधे रोपे जा रहे थे। सरदार किशन सिंह अपने मित्र मेहतानंद किशोर को बाग दिखाने आए तो भगत सिंह भी साथ था। खिलंदड़ा बालक पिता की अंगुली छोड़ खेत में जा बैठा और पौधों की तरह तिनके रोपने लगा। क्या कर रहे हो भगत, पिता ने पूछा। बंदूकें बो रहा हूँ, भगत सिंह का यह उत्तर सुनकर दोनों मित्र दंग रह गए और उन्हें प्रसन्नता भी हुई। इससे बालक की मन की मानसिकता का पता चलता है। फिरंगियों को देश से भगाने के लिए बंदूकों की जरूरत थी। पिता अक्सर जेल में होते या फिर राजनीतिक कार्य में व्यस्त घर से बाहर जाते, इसलिए भगत सिंह का बचपन दादा के संरक्षण में बीता। दादा पक्के आर्य समाजी थे। आर्य समाजी इसलिए कि देशभक्त थे। हम देख चुके हैं कि वे अंधविश्वास तथा रूढ़ियों से मुक्त, लीक से हटकर चलने वाले व्यक्ति थे। उनमें त्याग और बलिदान की भावना भी बहुत थी। उनके ये गुण उनके व्यवहार में व्यक्त होते थे। जैसे खेत में तंबाकू बोने और सारे गांव का विरोध करने की घटना और फिर पोतों के योगोपवीत की घटना, यह भगत सिंह के होश की बातें हैं और भगत सिंह ने आगे चलकर इनका उल्लेख भी किया है। ऐसी घटनाओं के अलावा भगत सिंह ने दादा के मुख से देश के गौरवमय अतीत और महान संस्कृति की कहानियाँ भी अवश्य सुनी होंगी, जिनसे राष्ट्रीय परंपरा माँ के दूध की तरह उनके खून में रच बस गई। यह शैशव काल में ही राजनीतिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष दोनों ही सबल हुए। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। बुद्धि तेज थी और ज्ञान की गंगा घर में पहले से बह रही थी। भगत सिंह अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों में सबसे आगे थे। पढ़ने का भी इतना शौक था कि स्कूल की किताबों के अलावा जो कुछ हाथ लगता हुआ सब पढ़ते। लिखा है कि जब वे चौथी कक्षा में थे तो घर में रखी अजीत सिंह, लाल हरदयाल सिंह और सुपीर अंबा प्रसाद की लिखी छोटी छोटी 500 पुस्तकें पढ़ डाली थी भगत सिंह ने। घर में पुराने अखबारों की फाइलें भी मौजूद थी। उनमें अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के निर्वासन और डिंगरा द्वारा करजन बिल्ली की हत्या इत्यादि के राजनीतिक कांडों के समाचार थे। उन्होंने भी सब भगत सिंह को में पढ़ डाले। दिसंबर 1912 में जब भगत सिंह की उम्र 5.25 बरस थी, दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। वायसराय घायल हुआ और एक कर्मचारी मारा गया। इस घटना के 5-6 महीने बाद लाहौर में लॉरेंस बाग के मिंट गुमरी हाल में गोरों का नाच हो रहा था। हाल के बाहर बम फटा जिससे एक गरीब हिंदुस्तानी चपरासी मारा गया। फिर लाहौर के किले में बम फटा। सरकार को इन घटनाओं का कोई सुराग नहीं मिला। अजीत सिंह के चले जाने के बाद गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नेता रास बिहारी बोस को चुना गया था। दिल्ली बम कांड के नायक वे ही थे। बंगाल में हो रहे गिरफ्तारी का खतरा अधिक था, इसलिए पंजाब चले आए। उन्हें छिपाकर रखने की व्यवस्था भगत सिंह के पिता किशन सिंह ने की। कैसे की, यह एक रोमांचकारी कहानी है। पहली समस्या यह थी कि एक बंगाली को पंजाब में कैसे रखा जाए। दूसरी समस्या, अकेले परदेशी को कौन ग्रस्त मकान किराए पर देगा। अलग से रहे तो पुलिस की नजर चढ़ने और पकड़े जाने का डर था। यह हल सोचा कि किशन सिंह ने कपूरथला के अपने मित्र राम शरण दास को इस बात के लिए तैयार किया गया। राम शरण दास की पत्नी राम
राज बिहारी बोस की पत्नी बनाकर उनके साथ रहे। राज बिहारी का नाम पंजाबी ढंग का रखा गया और पंजाबी पोशाक पहनाई गई। अब नाम पंजाबी, वेशभूषा पंजाबी, पत्नी पंजाबी और रहन सहन भी पंजाबी, इत्मीनान से काम होने लगा। पुलिस टापती रही। गिरफ्तारी और बदनामी की परवाह न करने वाला बलिदानी साहसी, आपसी विश्वास और मनोबल, क्रांतिकारी नैतिकता का तथा मनुष्य की उत्तम श्रेष्ठता का अविस्मरणीय उदाहरण है। इन क्रांतिकारियों को नमन, बार बार नमन। यह क्रांतिकारी युग भगत सिंह के घर परिवार का अभिन्न अंग था। भगत सिंह ने इस युग को अपने बचपन में जिया और इसका अध्ययन भी किया। जाने अनजाने यह क्रांतिकारी युग उसके अपने जीवन का अभिन्न अंग बन गया। 23 वर्ष की अल्प अवस्था में उसके व्यक्तित्व में उसे शहीद आजम बना देने वाली जो क्रांतिकारी प्रौढ़ता विकसित हुई, उसकी नींव वहीं पड़ गई थी। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव देने की कृपया करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। कहीं ना कहीं कोई गलती चलती हो माफ़ करना। धन्यवाद। जय हिंद।